रात 8:30 जब होंगे ना, घड़ी बजाएगी, उसके बाद ना इस घर के अंदर कोई आएगा ना इस घर से कोई बाहर जाएगा, समझ गए हो? निकोड़िया तू भी सुन ले, कह दो अपने ऑफिस में मैं बड़ी कपटी हूँ, अलाउ नहीं करती तुम्हें कि तुम इस तरह ना जवान जहान लड़की खुली तिजोरी की तरह फिरती रहे घूमती फिरती रहे सड़कों पे। शरीफ लोग हैं, अलाउ नहीं करूंगी मैं, कह देना उनको। ओके ओए हो जूगा भाई, हो जूगा, टेंशन नॉट। अब जो भी नौकर इस घर में आएगा ना, मेरी गल सुन लो, उसका होगा प्रॉपर इंटरव्यू, ओरल, रिटन, फिजिकल, मेंटल, समझे हो? हाँ, और मुझे उसका पूरा हदूदरबा चाहिए कि कहाँ वो वकूफजीर हुआ है, कहाँ रहता है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, सब मुझे पता करके दो, उसकी हिस्ट्री, केमिस्ट्री, जोग्राफिया, सब कुछ, समझ आइए। और इसके साथ ही आज की अदालत हुई बर्खास्त। अच्छा आ गई है यार छोटी। मैं तो पहले भी बनना चाहती थी जज, बचपन से। वैसे छोटी यार गाल छोड़ो, मेरे ख्याल से फिक्र की गल नहीं, कोई नहीं, हो जूगा, सब हो जूगा, सारा घर का जेड़ा इंतजाम है तू मेरे हवाले कर दे, फिर देख मैं कैसा टैट करता हूं सारे नु। और ये दो कुड़ियां जेड़ियां ना, इन्हां दे बारे सोच, फारिक कर, छोटी लोग की कहेंगे, ये दोनों कुड़ियां बालग हो गई है और कोई घर गृहस्थी आई नहीं, कोई काम नहीं कर दी, और छोटी ओ तेरे होते हुए ना दा तो सांस रुक जाना चाहिदा, ओए ना दी लगामे खिच, बल्कि मैनू दे दे ना दी लगामे, ते फिर तक मैं की करांगा। हाय हाय निराली दीदी, तुसी तो वायरल ही हो गए हो, ए वेखो बुलेटिन च तुहाडी तस्वीर, वेखो वेखो, आहो सी, लुक इट लुक इट। हाय दीदी बिल्कुल मैडम नूरजहां जैसे लग रही हो। मैनू भी दिखा, मैनू भी। ओए ओए ओ छा गई है भाई, छा गई है छोटी। शर्म पड़ता है, हम तो बड़े लोग हैं, मैंने तो माफ कर दिया, मैंने तो कहा आप रिपोर्ट भी ना कराएं, कोई जरूरत नहीं, मैं माफ करती हूँ सबको, ये खराब वराब तो हमारे यहाँ हमेशा से चलती रही है, इसकी वजह से नहीं है जी, मैं तो ये सुनैया ये तो निराली है जी, बिल्कुल वही ना, डाका डाले को ऐसे तो नहीं, कुछ छोटी मोटी चीज है ये, इस तरह की पिस्तौले पकड़ के करना बड़ा काम। अपने मालिक के घर का पता चल गया है, मैं फौरन वहां जाना चाहूंगा, तुम शाहरुख को फोन करो कि फौरन आए। जी मालिक, ये रख लो, शायद मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो सके, रख लो। बस फिर ये आपका एहसान और ये कर्ज लाजिम है मुझ पर, वक्त ने वफा की तो ये मैं आपको जरूर लौटाऊंगा। आओ बेटा। Wow, Dad. This is old. Yeah. How good, sir? Dad. Actually, आपने फॉरन बुलाया तो मीटिंग छोड़ के आया मैं। तो क्लाइंट से फोन पे बात करनी है। आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता। Okay. Fine. Hello. Hello. एक्सक्यूज मी, सुनिएगा भाई साहब, मैं जी ये बताइए कि ये चौधरी इनवारुल हक साहब का घर है ना, वो कौन है? एड्रेस तो यही बताया था मुझे, शायद जिनके घर रात में कोई चोरी वोरी हुई है। अरे तो ऐसा कहिए ना, निराली बीबी का घर है ये। हाँ, निराली बीबी। हाँ
मुलाकात हो सकती है उनसे। पूछना पड़ेगा। आपका नाम? अमीन इकबाल कह दीजिएगा। अच्छा, हाय मक्खू, ये छोड़ी है तू? हाँ, अरे लाल गुलाब मेरी पसंद के हैं। ओ बंटी, किधर जा रहा है तू? हाँ, वो कोई मिल आया है। मैं बिजी हूँ अभी। अरे आपसे नहीं, निराली दीदी से मिलने आया कोई। निराली दीदी से? कौन? पता नहीं, अब अपना नाम अमीन इकबाल बता रहे थे। इकबाल? ए कौन है तू? रुक, देखती हूँ मैं। ये तो वही हमारा पुराना वफादार बुड्ढा मुलाजिम है। लेकिन ये इतने सालों के बाद यहाँ क्या करने आया? कौन आया बीबी जी? हाय, अब आएगा चटखारा। वैसे ही ना, मैं कैंडी क्रश खेलते खेलते अब पे क्रैश हो गई हूँ। अब लगाती हूँ तड़का। खाने में? ओ नहीं नहीं, कहानी में। मेरी भैणा, ये इस महीने जेड़ी दुकान है ना साड़ी, उन्होंने जो उभराई हुई है किराए की, वो हुई है 11 लाख रुपया। 11 लाख? दे, इस महीने का खर्चा जेड़ा होया है ना, वो है 7 लाख रुपया। निराली दीदी, निराली दीदी, निराली दीदी, वो क्यों है? वो आ गया, वो आ गया। क्या फिर डाका पै गया? की होया? नहीं नहीं, वो आ गया। कौन? वो अमीन इकबाल। इकबाल? वो पुराना मुलाजिम। ओ उसनु कुत्ते पैंट। मैंने तो ना उसको भारी रुकवा दिया है। अपने वालों ना बड़ा सूट वूट पहन कर आया, बड़े तकबर से कहता है कि आपसे मिलना है। मैंने कहा नहीं नहीं भारी रो, हमारे घर में तो वैसे ही डाका पड़ गया, हम लुट गए, पता चले फिर कोई आके हाथ साफ करके चला जाए। ओ मको की कीता है, उसनु गेट ते बाहर कढ़ना सी। ओ ठहर जाओ भाई जान, ठहर जाओ, सांस लाओ। आन देव, आने दे उसे, मैं भी तो देखूं सेठ साहब का मुलाजिम इतने सालों के बाद करने क्या है, पता तो चले।